पुलिस एक ऐसा शब्द जो अपने आप में पूरी किताब की तरह है। राज्य सुरक्षा से लेकर पारिवारिक जीवन तक वो अपनी सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, फिर चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष पुलिसकर्मी। हमारी फिल्मों ने पुलिस को लेकर पूरी तरह से छवि बदल कर रख दी है। 90 के दशक में लगभग सभी फिल्मों में पुलिस को एक विलन के रूप में दिखाया गया था, लेकिन वहीं अगर हम धरातल पर पुलिस की बात करें तो परिणाम बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि जिस तरह कोरोना काल में पुलिस ने काम किया वो काफी काबिले तारीफ था। जब पूरा देश घरों में था तब सिर्फ पुलिस ही सड़कों पर थी, फिर वो महिला पुलिस हो या पुरुष पुलिस, क्योंकि उनके कंधों पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। अगर हम किसी बच्चे से पूछे कि पुलिस अधिकारी कैसा होता है, तो हो सकता है कि हम इनमें से कुछ या सभी के जवाब में ये सुन बैठे कि रौबदार मूछें, गंभीर अभिव्यक्ति, तेज और मोटी आवाज, आक्रामक देह भाषा। लेकिन क्या ये सच है? और इस रूढ़िवादी छवि पर आज कितने पुलिस अधिकारी फिट बैठते हैं? पुलिस में भी कितनी महिलाएं इस कैटेगरी में फिट बैठेंगी? महिलाओं की पुलिसिंग से जुड़े कई सवाल हैं कि नौकरी चाहने वाली किसी युवा महिला के लिए आज पुलिस बल में कितनी सकारात्मक संभावनाएं हैं, या एक महिला पुलिस कांस्टेबल के लिए नौकरी से संतुष्टि का स्तर क्या है और उसके काम का माहौल कैसा है। हाल की स्थिति में एक महिला पुलिस अधिकारी के लिए पुरुष समकक्षों की तुलना में व्यावसायिक खेल का मैदान कितना समतल है? अगर भारत जैसे पारंपरिक समाज में काम और परिवार के संतुलन पर महिलाओं का दृष्टिकोण पुरुषों से अलग होता है। पुलिस में महिलाओं पर या तो अति पुरुषत्व का आरोप लगाया जाता है, या खुद को साबित करने के लिए अपने रूढ़िवादी पुरुष समकक्षों की तरह काम और व्यवहार करने का। लेकिन आज भी जिस तरह से महिलाओं का अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से शोषण होता है, ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि ये ज्यादा से ज्यादा पुलिस यूनिफॉर्म में नजर आए। लेकिन भारतीय पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निराशाजनक है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2020 तक इसमें केवल 12% महिलाएं थी। कई राज्यों ने पुलिस में महिलाओं के लिए 10% से 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है, लेकिन एक भी राज्य लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। हाई रैंकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 8.7% से भी कम थी। 2020 में बिहार की सिविल पुलिस में 25% महिलाएं थी, जो देश में सबसे ज्यादा थी। जम्मू कश्मीर में केवल 3.3% महिलाएं थी, जो सबसे कम है। अधिकांश राज्यों ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए कुछ पद आरक्षित किए हैं। आरक्षण का हिस्सा 10% से 33% तक का ही है। हालांकि किसी भी राज्य ने लक्ष्य हासिल नहीं किया है। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध तो किया गया है कि पुरुष कांस्टेबलों के रिक्त पदों को बदलकर महिला कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के अतिरिक्त पद सृजित कर दिए जाएं, जिसका उद्देश्य ये है कि हर एक पुलिस स्टेशन में कम से कम 3 महिला सब इंस्पेक्टर और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल हों, ताकि एक महिला हेल्प डेस्क 24 घंटे तैनात रहे। ये आंकड़ा काफी कम है, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य को सुनिश्चित करने की सिफारिश कर रही है कि उनके पुलिस कर्मियों में कम से कम 1/3 महिलाएं हों। महिलाओं और बच्चों से संबंधित संवेदनशील मामलों को संभालते समय बल में एक बड़ी महिला उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। बता दें कि अमेरिका में 2020 में पूर्णकालिक नागरिक कानून प्रवर्तन कर्मचारियों में से 7% महिलाएं थी, लेकिन पूर्णकालिक कानून प्रबंधन अधिकारियों में केवल 13.1% महिलाएं थी। तो अब आप ये समझिए कि कर्मचारी ज्यादा और अधिकारी कम, लेकिन सवाल वही, ऐसा क्यों? अमेरिका तक में कानून प्रवर्तन को निर्विवाद रूप से पुरुष प्रधान पेशा माना जाता है, खासकर FBI में। हालांकि रिसर्च से पता चलता है कि महिला अधिकारियों का समुदायों और कानून प्रवर्तन विभाग के समग्र प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्या पुलिस थाने के स्तर पर महिलाओं के लिए बुनियादी सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं? क्या उन्हें पुलिस बल में अपने पुरुष साथियों के साथ काम करने में कोई भेदभाव तो नहीं महसूस होता? क्या जेंडर इंटेलिजेंस को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार किया जा रहा है? हमें समझना होगा कि प्रभावी पुलिसिंग शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और पारस्परिक कौशल का संयोजन है। सभी को निरंतर इन विषयों पर प्रशिक्षण मिलना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर पुलिस बल को महिलाएं चुनती हैं, तो ये तमाम लड़कियों के लिए साहस का प्रतीक बनेगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो तो महिलाओं को पुलिस में आने से कोई नहीं रोक सकता, पर ये सामाजिक संवेदनशीलता पर निर्भर है, और हमें वो माहौल बनाना होगा जहां महिलाएं उड़ान के सपने देख सकें और उन्हें पूरा कर सकें, क्योंकि ये उनका हक है और उन्हें ये मिलना चाहिए। अंत में महिलाओं के लिए, दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं,
सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। फिर क्यों उसको धिक्कार दूं? उसे अपने सपने पूरे करने का अधिकार दूं। न्यूज डेस्क, जनहित टाइम।